कांग्रेस की कमजोर सरकार आतंक के आकाओं को डोजियर देती थी। डोजियर का मतलब है फाइल पे सारी जानकारियां इकट्ठी कर करके वो देते थे कि तुम्हारे लोग आए थे, ये उनकी फोटो है, यहां बम फोड़ के चले गए। तुम्हारे लोग आए थे, इतने लोगों को मार करके चले गए। तुम्हारे वो लोग आए थे, डोजियर देते थे, डोजियर, और फिर देश को बताते थे हमने पाकिस्तान को डोजियर दे दिया है। डोजियर और मोदी की मजबूत सरकार देखिए, डोजियर बोजियर में टाइम खराब नहीं करते। आतंकियों को घर में घुसकर मारते हैं। और साथियों, संयोग देखिए, आज जब भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है, यानी सूक्ष्म दर्शक यंत्र लेकर के भी कांग्रेस को ढूंढना मुश्किल हो रहा है, लेकिन मजा ये है कि यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। आपको पता चला होगा कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं, शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। आपने कल देखा होगा, और हम तो जानते ही है कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। भाइयों और बहनों, देश के दुश्मनों को आज भारत में मजबूत सरकार नहीं चाहिए, उनको कमजोर सरकार चाहिए। और ऐसी कमजोर सरकार जो मुंबई में 26/11 को आतंकी के हमले के समय थी ना, वैसी कमजोर डोजियर भेजने वाली, देश के दुश्मनों को वैसी ही करप्ट सरकार चाहिए जो 2014 से पहले थी। देश के दुश्मनों को वैसी ही अस्थिर सरकार चाहिए जो 2014 से पहले देश में थी। मोदी की मजबूत सरकार न झुकती है और न ही रुकती है, और तभी आज दुनिया कह रही है दुनिया के विकास को भारत ही गति दे सकता है। भारत पूरी दुनिया के लिए ब्राइट स्पॉट है। दुनिया में झगड़े होते हैं तो भारत को विश्व बंधु के तौर पर झगड़ा सुलझाने वाले देश के तौर पर देखा जाता है। कहीं युद्ध होता है, अभी आपने देखा होगा रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही थी, दुनिया के अनेक देशों के लोग वहां फंसे हुए थे, वो वहां से बाहर निकलना चाहते थे,
और वहां एक ही पासपोर्ट चलता था। दुनिया के किसी भी देश के नागरिक को वो बम गोले के बीच से निकलना हो यूक्रेन में से, तो एक ही पासपोर्ट चलता था और वो पासपोर्ट था मेरे देश का तिरंगा झंडा।